आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिस विषय हेतु यूनिट थर्ड इंडक्टर एंड कोइल में कोइल से रिलेटेड टर्म्स, जैसा कि पहले आप डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस स्किन इफेक्ट के बारे में जान चुके हो, आज हम क्यू फैक्टर के बारे में जानेंगे, यानी क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर जो कि द वाइंडिंग रेजिस्टेंस अपीयर्स एज ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द इंडक्टर, इट इज रेफर टू एज डीसी रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस डिसिपेट सम ऑफ द रिएक्टिव पावर, कुछ पावर को ये डिसिपेट करता है। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर जो कि डिफाइन किया जाता है ओमेगा एल अपॉन आर, यानी जो क्यू है ओमेगा एल एक तरह से क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्यू फैक्टर कहलाता है, जो कि कोइल की एफिशिएंसी को निर्धारित करता है। द हायर द क्यू फैक्टर ऑफ द इंडक्टर द क्लोजर इट अप्रोच द बिहेवियर ऑफ द आइडियल इंडक्टर। जैसा कि किसी भी कोयल का यदि क्यू फैक्टर कितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो एज एक तरह से आइडियल इंडक्टर की तरह काम करेगा। हाई क्यू इंडक्टेंस इंडक्टर्स आर यूज विथ कैपेसिटर्स टू मेक रेजोनेंट सर्किट्स इन रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। द हायर द क्यू इज द नैरोर द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट, यानी क्यू जितना हाई होगा रेजोनेंट सर्किट में आप इंडक्टेंस को काम में ले रहे हो तो उसका बैंडविड्थ उतना ही नैरो होगा, यानी एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी पे आप ट्यूनिंग प्राप्त कर सकते हो। द क्यू फैक्टर ऑफ एन इंडक्टर इज डिफाइंड एज, जैसा कि मैंने बताया एल यहाँ पे इंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस है, यानी सी और प्रोडक्ट ओमेगा एल इंडक्टिव, तो क्यू क्या हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन आर। क्यू इंक्रीजेस लीनियरली विद द फ्रिक्वेंसी, यदि एल और आर कॉन्स्टेंट है तो वो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी है, तो ये रेखीय रूप से क्यू इंक्रीज करता फ्रिक्वेंसी के साथ। ऑल्दो दे आर कॉन्स्टेंट एट लो फ्रिक्वेंसीज द पैरामीटर्स वेरी विथ फ्रिक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड द कोर लॉसेस इंक्रीजेज आर विथ फ्रिक्वेंसी, वाइंडिंग कैपेसिटेंस एंड वेरिएशंस इन परमेबिलिटी विथ फ्रिक्वेंसी इफेक्ट इंडक्टेंस। तो ये सारे पैरामीटर के कारण आपका इंडक्टेंस वेरी करता है। अब एट लो फ्रिक्वेंसीज एंड विद इन लिमिट्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एन इम्प्रूव्स क्यू, बिकॉज एल वेरीज एज द एन स्क्वायर, एन टू का मतलब यहाँ एन स्क्वायर, वाइल आर वेरीज लीनियरली विथ एन। इसी प्रकार जो इंडक्टर है उसका रेडियस आर, उसके कारण भी क्यू इंक्रीज होता है, क्योंकि इंडक्टेंस जो वेरी करता है आर स्क्वायर के सापेक्ष, और आर जो है आपका रेडियस के साथ लीनियरली इंक्रीज वेरी करता है। इस प्रकार हाई एयर कोर इंडक्टर्स ऑफन हैव द लार्ज डायमीटर एंड मेनी टर्न्स, बोथ ऑफ दोज एग्जांपल्स एज्यूम द डायमीटर ऑफ द वायर स्टेज द सेम, सो बोथ एग्जांपल्स यूज प्रोपोर्शनल टू मोर वायर। If the total mass of wire is held constant, then there would be no advantage to increase the number of turns or the radius of the turns, because the wire would have to be proportionally thinner. तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल हमने आपको लो फ्रिक्वेंसी के रेस्पेक्ट में समझाए हैं। इसी प्रकार जो इंडक्टेंस है उसके अंदर यदि हाई प्रायोरिटी फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक कोर काम में लिया जा रहा है, तो उसमें इंडक्टेंस का मान तो बढ़ता ही, साथ ही क्यू का मान भी बढ़ता है, यानी क्वालिटी फैक्टर भी बढ़ता है। कोर के कारण भी फ्रीक्वेंसी जैसे इंक्रीज करती तो लॉसेस बढ़ते हैं, लेकिन एक
परफेक्ट कोर मेटल को चूज किया जाता है जिससे कि इंडक्टेंस का मान भी बढ़े और क्यू भी बढ़े। तो इसलिए सामान्यतः एयर कोर इंडक्टर जो काम में लिया जाता है एट VHF और हाई फ्रिक्वेंसीज एंड एयर कोर इज लाइकली टू बी यूज्ड। वेल डिजाइंड एयर कोर इंडक्टर में हैव अ क्यू ऑफ सेवरल हंड्रेड। यदि एयर कोर इंडक्टर काम में लिया जा रहा तो वो कुछ हंड्रेड तक के मान का होता है। इस प्रकार जो क्वालिटी फैक्टर है वो इंडक्टेंस की एफिशिएंसी को डिफाइन करता है और क्यू ओमेगा एल अपॉन आर के अनुपात से डिफाइन होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये एक क्वालिटी फैक्टर की सामान्य जानकारी थी, इसको आपने जाना। थैंक यू।